नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं फिलहाल तो खैरथल मंडी में हूं और आज 28 नवंबर 2024 हो चुका है। आज के इस वीडियो में जयपुर मंडी में कितनी आवक देखने को मिल रही है और क्या बाजार रहा, सभी जानकारी होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं जयपुर मुहाना मंडी में प्याज का क्या अपडेट देखने को मिल रहा है। कैसे हो नरेंद्र जी? बढ़िया यादव जी, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। तो सर, आज जयपुर मुहाना मंडी में कितनी आवक देखने को मिल रही है? 28 नवंबर हो चुका है बाबू जी, जयपुर मंडी के अंदर आज आवक कल से कुछ कम दिख रही है। अच्छा जी, आज ये लगा लो अलवर के तो 6-7 हजार कट्टा है, ठीक है। कोटा का भी मेरे ख्याल से 9-10 हजार कट्टा है, ठीक है। 2-3 हजार कट्टा कम है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, ये टोटल मिला 17-18 हजार कट्टा है, ये ऊपर नीचे सब 17-18 हजार कट्टे हैं आज टोटल कोटा झालावाड़ और अलवर वाले। हाँ जी, हाँ जी। तो सर बाजार में क्या पोजीशन है? बाजार बाबू जी सेम कल वाली पोजीशन है, लेकिन जो बढ़िया माल है मोटे मालों में, सूखे माल है ना मोटे माल, हाँ जी, उनमें आज 102 रुपए करंट है। अच्छा जी, जो कल ऊपर बाजार थे आज ऊपर में 40-41 रुपए तक बिके हैं। 40-41 रुपए तक है बाजार आज सुपर माल के, मोटे माल के, सुपर माल हो सुखा भी बुगेड़ीदार 40-41 किलो के रुपए किलो बाजार है। अच्छा जी, अच्छा। और सरासरी बाजार मानो आप 25 रुपए से लेके 36 रुपए तक, 25 से 36 रुपए, 32 से 36। हाँ, ज्यादा माल बिके यानी 70% माल बिके मंडी के अंदर, कोटा हो चाहे अलवर हो, बिके 32 से 36। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, मतलब सुपर है, ग्रेडिंग मोटा है, सुपरी माल है, 37 रुपए से लेके ऊपर में 41 रुपए तक। और कुछ भार वाले माल भी हैं क्या आज? नहीं जी, भार वाला कोई माल नहीं है भाई, भार वालों में कोई पड़ता नहीं है। अच्छा जी, आज बाजार क्वालिटी है, कुचामन आई थी, कुचामन बिकी है 30 से 35। कुचामन की कितनी आवक होगी? कुचामन की 6 पिकअप थी भाई साहब, 6 पिकअप थी, बहुत बढ़िया। 6 पिकअप का मतलब आप मानो 350-350 कुट्टा, ठीक है जी। हाँ जी, तो ग्राहक की कैसी है आज? ग्राहक ठीक ठाक है जी, कहा थी कल भी ठीक ठाक थी, मैंने बताया था आपको आराम आराम से। ग्राहक क्या, जब भाव बढ़ता है तो ग्राहक रुक के लेता है, घूम के लेता है, मार्केट में कहीं मंदा नहीं मिलेगा तो लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, वही कंडीशन आज है, माल आज मंडी साफ हो जाएगी मेरे आईडिया से। बहुत बढ़िया, ग्राहक की अच्छी है। तो क्या बाजार कुछ और उम्मीद है? बाजार मैंने बताया यादव जी, एक बहुत जैसे माल की 100 रुपए पड़ेगी, 1-2 रुपए बढ़ी है ना। हाँ, परसों भी 1-2 रुपए बढ़े थे, कल 1-2 बढ़ा था, आज 3-3 रुपए बढ़े क्वालिटी में, बहुत बढ़िया। बढ़िया मालों में बाजार आराम से उड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आवक आएगी, डिमांड होगी, वैसे भाव बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, अगर आप ग्राहक की पावर है तो 1-2 रुपए ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ग्राहक की पावर नहीं है तो फिर वही बात, बाजार यही चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाजार 30 से 40 के चलेंगे, आप ये पता लग गया। बहुत बढ़िया सर, जो आने वाला समय दिख रहा है 15-20 दिन, मेरे को नहीं लगता कि प्याज का बाजार नीचे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पक्की रिपोर्ट होगी, 30 से 40 में पक्की रिपोर्ट मानो आप, जैसी क्वालिटी जितनी वैसे भाव बिकेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, यानी किसानों को 2 पैसा मिल जाएगा। हाँ जी, किसानों को 2 पैसा मिल जाएगा। किसानों को तो देखो जी, हम तो आभार भी लोग तो किसानों के ऊपर ही है। बिल्कुल, किसान को 2 रुपए मिलेगा तो हमें भी खुशी मिलेगी, हमें भी 2 रुपए आने फालतू मिलेगी। बिल्कुल सर, किसान भी खुश है, इन गाँव में किसान को भी 2 रुपए मिलेगा, ये बाजार रहेंगे। बहुत बाजार देख रहे थे कि आवक की बढ़ेगी, बाजार टूट सकते हैं, कुछ घबराहट हुई थी, वो घबराहट अब खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, अगर किसान इसी लेवल में माल लाता रहा और सुखा के लाता रहा तो ये भाव बिकते रहेंगे, आने वाले समय में 1-2 रुपए की और सरकार दी थी हमें। बहुत बढ़िया मालों में, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर किसान अपना तबड़ी करेगा, कच्चा बच्चा माल लाएगा, फिर बाजार में वापसी हो जाएगी। बिल्कुल जी, घबराहट का काम है जाता जी। बिल्कुल, किसान को भी सोच समझ के काम करना चाहिए, क्वालिटी अपनी जितनी सूख सके बढ़िया बन सके उस भाव बना के लाए और अपने पास नगर लेके जाए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। तो मोबाइल नंबर फर्म का नाम सर? मेरा मोबाइल नंबर 8077-71-652, नाम नरेंद्र बेटी फूडा एंड कंपनी, A6 मोहाना जयपुर। चलो जी, फोन करके राय लेनी हो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, बिल्कुल सर, माल अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया मेहनत करेंगे और उनको बढ़िया बाजार का भाव देंगे। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी, आपका भी।